गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ रहे थे, Na2CO3 के। तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद आज का आगे का पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था Na2CO3 की प्रिपरेशन, बराबर है। Na2CO3 को हम लोग किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, सोलवे प्रोसेस से, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सोडा अमोनिया प्रोसेस, ठीक है। देन उसका जो फॉर्मूला था वो था Na2CO3। जो एनहाइड्रस Na2CO3 होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या था, सोडा एस, ठीक है। और जो जब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है Na2CO3.10H2O, उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, बराबर है। इसके जो सोलवे प्रोसेस था, उसको बेसिकली हमने चार अलग अलग स्टेप्स के अंदर किया था। जो पहला हमने स्टेप बोला था उसको बोला जो पहला हमने स्टेप यूज किया उसको हमने बोला था तुम्हारा अमोनिया एब्जॉर्बर। दूसरा पहला स्टेप क्या था, अमोनिया एब्जॉर्बर। देन हमारे पास जो सेकेंड स्टेप था वो क्या था, कार्बोनेशन कैटायन, ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास कार्बोनेशन टावर, जो थर्ड हमारे पास स्टेप था वो था कैल्सिनेशन, और जो हमारे पास फोर्थ स्टेप था वो था रिकवरी टावर, ठीक है। ये अलग अलग चार टावर्स में हम लोग सोलवे प्रोसेस के थ्रू Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट को जब हम प्रिपेयर करते हैं सोलवे प्रोसेस से, तो बीच के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर हमारा NaHCO3 एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है ना। इस प्रोसेस में तुमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे सबसे पहले तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो बताया था। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स थे, अमोनिया, अमोनिया के साथ में ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, तुम्हारा जो NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, क्या NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर CaCl2 और MgCl2 इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा साथ में हमको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जरूरत पड़ा था एज ए रॉ मटेरियल। तो ये हमारे पास था सोलवे प्रोसेस का बेसिक, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताई थी कि हम सोलवे प्रोसेस को Na2CO3 को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो K2CO3 को जब प्रिपेयर करोगे, तब तुम्हारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो KHCO3 पोटेशियम बाई कार्बोनेट, वो क्या होता है, तुम्हारे पास स्पेरिंगली वाटर सोल्यूबल होता है। वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको K2CO3 को प्रिपेयर नहीं कर सकते। देन हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उसका हाइड्रोलिसिस, उसका कुछ हीटिंग इफेक्ट, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। देन हम लोगों ने उसके यूजेस पढ़े थे, कहाँ कहाँ उसके यूज होता है, ये सब तुमको ध्यान में रखना है। बेकिंग तुम्हारे पाउडर के अंदर यूज होता है NaHCO3। देन तुम्हारा बेटा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज होता है, हाँ, है ना। देन तुम्हारे पास जो एज ए एंटा एसिड मेडिसिन के तौर पे हम लोग तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट्स थे, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो उसके कंपोजिशन थी, वो कौन कौन थे, NaHCO3 और MgOH2, ठीक है। MgOH2 को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, अब हम एक काम करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले Na2CO3 के अंदर, Na2CO3 का बेटा जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, Na2CO3.10H2O, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, वॉशिंग सोडा। वो क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जब इसको हम ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब एयर के अंदर इसको एक्सपोज करते हैं, तो ये क्या करता है, जो यहां पर ये जो 10 H2O प्रेजेंट है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट है, उनमें से क्या करता है, 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है, Na2CO3.1 H2O बचेगा, और कितने H2O रिमूव हो जाएंगे, 9 H2O। इस यहां पर देखो 10 H2 है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट फॉर्म। डेका जो वर्ड है वो किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, 10 के लिए। तो ये जो फॉर्म है वो कैसा है, डेका हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है।
अब ये जो Na2CO3 डॉट H2 है, अगर इसको हम और आगे फर्दर हीट करें एट टेम्परेचर अबाउ अराउंड 375 केल्विन, 375 केल्विन से ऊपर अगर हम इसको हीट करेंगे, तो ये जो तुम्हारे पास एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1H2O बचा, ये भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, Na2CO3 लास्ट में हमको मिलता है, जो कि क्या होता है, एनहाइड्रस। यहाँ पे सारे के सारे वाटर जो है वो रिमूव हो चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अब, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको एक और नाम से बोलते हैं जो कि लास्ट क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया, क्या, सोडा एस। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोसेस है जिसमें तुम्हारे पास सोडियम जो वॉशिंग सोडा है 10H2O में से जो 9H2O रिमूव करता है, क्या, 10H2O में से ये जो 9H2O रिमूव होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरोसेंस। तो ये तुम्हारे पास जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरोसेन। ठीक है, किस चीज को बोला है, जब तुम्हारे पास ये जो 9H2O मॉलिक्यूल्स को जो रिमूव कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंस, प्रीवियस तुम्हारे जेई के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास Na2CO3 के बारे में, एयर के साथ एक्सपोज करने पर क्या फॉर्म होता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका हाइड्रोलिसिस के बारे में। Na2CO3 का बेटा जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के साथ रिएक्शन, सेकेंड है तुम्हारे पास इसकी प्रॉपर्टीज में इसका हाइड्रोलिसिस। तो Na2CO3 प्लस H2O ये किस में कन्वर्ट होता है, NaOH प्लस H2CO3। देखो तुम्हारे पास ये Na2CO3 खुद किससे मिलकर के बना होगा, NaOH प्लस एक एसिड और एक बेस से, H2CO3, NaOH प्लस H2CO3 से मिलकर के बनता है। तो अब जो रिएक्शन है वो हमेशा किधर से किधर में फॉरवर्ड, तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की डायरेक्शन में हमेशा तुम्हारा रिएक्शन मूव करता है। यहां पर दोनों तरफ क्या है, मैंने देखो इक्विलिब्रियम का साइन शो किया है, क्या किया मैंने, इक्विलिब्रियम का साइन शो किया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास Na2CO3 और जो NaOH है, यहां से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NaOH जो और जो H2CO3 है वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका हाइड्रोलिसिस के बारे में, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। देन बेटा अगला हमारे पास है इसकी रिएक्शन विथ SO2, थर्ड हमारे पास इसकी रिएक्शन विथ SO2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे बेटा, देखो Na2CO3 इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे SO2 के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे हमको पता चले, तो याद करो मैंने NaOH के टाइम पे बताया था, चाहे कोई भी बेस हो, ये जो सल्फर है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सल्फर क्या है यहां पर, देखो SO2 है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सल्फर यहां पे प्लस फोर में है, सल्फर किस में है, प्लस फोर में है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक, और क्या प्लस फोर में उसका कोई ऑक्सी एसिड होता है, बिल्कुल होता है, कौन सा, H2SO3। तो इसके साथ कोई भी बेस हो, Na2CO3 देखो सोडियम कार्बोनेट है, बेस है, हाँ है ना तुम्हारे पास, तो ये क्या है, एक एसिड, ये तुम्हारे पास क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस, सोल्ट बनेगा, बराबर है कि नहीं, तो जो सोल्ट बनेगा वो यहां पर प्लस फोर में है, तो इसका जो सोल्ट होता है SO2 का प्लस फोर के अंदर जो ऑक्जी एसिड होता है वो कौन सा होता है, H2SO3, ऑलरेडी बता चुका हूं पहले, तो यहां से क्या करोगे, दो इसके H2O को जो हाइड्रोजन है उसको निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनाओगे, Na2SO3 प्लस CO2। ठीक है, क्या बना दिया, बार बार पूरा रिएक्शन नहीं लिखेंगे, पहले लिखना सीख चुके हैं। अब यहां पर तो तुम्हारे पास जो SO2 है तो उसके साथ रिएक्शन कैसा हुआ,
एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या है, SO2 क्या है, एसिड है, Na2 CO3 क्या है, एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सोल्ट बना, ठीक है तुम्हारे पास यहां, और ये CO2। अब देखो अगर मैं यही जो Na2SO3 है, इसी Na2SO3 का अगर बेटा मैं अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करता हूं, क्या अगर मैं इसका रिएक्शन सल्फर के साथ करूंगा तो क्या फॉर्म होगा, Na2S2O3, क्या Na2S2O3 का फॉर्मेशन होगा, समझे कि नहीं। तो चल देखिए, तो ये तुम्हारे पास ये क्या है, हाइपो, हम लोग पहले रिडॉक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ये क्या है, हाइपो, ठीक है। अब यहां पर देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो H2O3 2 माइनस होता है, H2O3 जो 2 माइनस होता है, इसमें दो सल्फर हैं, इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, कैसे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होता है स्ट्रक्चर, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, फिर डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस, ठीक है। ये वाला जो सल्फर होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस टू और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस सिक्स, एवरेज निकालोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर तीन दून छह, तो तुम्हारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगा, समझे कि नहीं, एवरेज निकालने पर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ रहा है, हाँ है ना, कितना आ रहा है प्लस टू आ रहा है, लेकिन जो तुम्हारे पास सल्फर है वो दोनों क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमको, इसी के ऊपर माइनस टू क्यों आया, देखो यहां पर जो सल्फर है उसके पास क्या है, दो लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 है, दो लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, sp2 है, और इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp2 जो अगर जब सल्फर एलिमेंट दोनों सेम है तो तुम्हारे पास sp2 सल्फर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये तुम्हारे पास जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस इस वाले सल्फर की तरफ रहेंगे, इसलिए इस सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, माइनस टू और इसकी प्लस सिक्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट का अगर SO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, Na2SO3 साथ में CO2, और अगर Na2SO3 का अगर हम सल्फर के साथ रिएक्शन, और आगे फर्दर अगर हम सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2S2O3, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, बिल्कुल बैलेंस्ड है, चेक कर सकते हो दोनों साइड में क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये था हमारे पास SO2 के साथ रिएक्शन। अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता है वो है रिएक्शन विथ SiO2, क्या रिएक्शन विथ SiO2, Na2CO3 का जब हम रिएक्शन करेंगे SiO2 के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो थोड़ा रिएक्शन ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के सब रिएक्शन याद ही रखनी है, थोड़ी बहुत ट्रिक भी है इनकी याद करने के। देखो जैसे सिलिकन है, SiO2 है, सिलिकन तुम्हारे पास बेटा एक नॉन मेटल है, हाँ है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, ये बेस, सिलिकन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ है ना, और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्जी एसिड होता है क्या, बिल्कुल होता है, वो कौन सा होता है, H2SiO3, क्या होता है H2SiO3, तो ये दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और किसके साथ लगा दो, सोडियम के साथ, तो क्या लगाओगे, Na2SiO3 साथ में यहां से CO2, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। तो देखो सल्फर यहां पे सिलिकन पहले प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी भी सिलिकन क्या है, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद करो मैंने बताया था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कब शो करेगा, जब उस एलिमेंट का उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्जी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है तब तुम्हारा वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, वरना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो बिल्कुल से सेम टू सेम रिएक्शन है जो हमने NaOH के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ी थी। अब ये जो Na2SiO3 बना इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो Na2SiO3 बना इसको हम बोलते हैं बेटा वॉटर ग्लास या फिर सोल्यूबल ग्लास, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, बिकॉज
दिस इज सॉल्यूबल इन वॉटर, सॉल्यूबल इन वॉटर, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, वॉटर में सॉल्यूबल होता है। अब इसका हम यूज कहां पे करते हैं, Na2SiO3, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इट इज मेनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इन प्रिपरेशन ऑफ सिलिका गार्डन। सिलिका गार्डन को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, ये मेनली यूज होता है। तो Na2SiO3 को हम लोग, ये सब क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है ए, क्या क्या देखा तुमको Na2SiO3 दे दिया जाएगा, बोल देगा एक सब्सटेंस है ए, उससे प्रोडक्ट बना बी और सी, समझे कि नहीं तुम्हारे पास, और वो जो बी है उसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, मान लो यही सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो सब्सटेंस बी है वो कहां पे हम यूज कर रहे हैं, सिलिका गार्डन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो बताओ ए सब्सटेंस क्या होगा, जो सी सब्सटेंस है वो क्या होगा, समझे कि नहीं। तो ये सब थोड़ा जब तुमको पता होगी ये इंफॉर्मेशन तभी तुम लोग ये सोल्व कर पाओगे, वरना इंफॉर्मेशन के, इन इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चंस तुम लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए याद भी रखना जरूरी है। तो ये था हमारे पास इसकी क्या रिएक्शन विथ SiO2। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा इसकी रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस के साथ। नेक्स्ट अब हमारे पास पांचवी कि Na2CO3 का रिएक्शन विथ CaOH होल ट्वाइस, इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहां पर CO3 के ऊपर भी क्या है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों ही क्या है, बेस है, ये सोल्ट, दोनों तो ये तुम्हारे पास सोल्ट है, है ना। तो Na के ऊपर प्लस, CO3 पे 2 माइनस, यहां पे कैल्शियम पे 2 प्लस, तो क्या करना है, इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ और इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ, समझे कि नहीं। तो क्या बनेगा, CA का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और Na के साथ OH, तो 2NaOH, आसान है, सोडियम कार्बोनेट का हमने रिएक्शन करवाया इस CaOH होल ट्वाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम, क्या बोलते हैं बेटा, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। ये था हमारे पास चौथा पांचवा टाइप का। नेक्स्ट है हमारे पास Na2CO3 का रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर इसको हमने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा। पहला, विच फॉर्म नॉर्मल कार्बोनेट्स, विच फॉर्म नॉर्मल कार्बोनेट्स, जो क्या करते हैं, नॉर्मल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं उन सॉल्ट्स के साथ। तो जैसे देखो कि मेरे पास MnSO4, ये क्या है, एक सॉल्ट है, इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, Na2CO3 के साथ। मान लो मेरे पास एक और सॉल्ट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस Na2CO3, ठीक है। मान लो एक और सॉल्ट है मेरे पास, क्या, FeSO4 प्लस Na2CO3। तो इनमें तुम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करोगे, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो क्या करोगे, MnSO4 है, Na2CO3 है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट ही है Na2CO3, ठीक है। तो क्या करोगे, तुम्हारे पास सिंपल इसका कैटायन, इसका एनायन, इसका कैटायन MnSO4 में Mn और इसका एनायन कार्बोनेट, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा, MnCO3। क्या हो रहा है यहां पे, देखो सिंपल नॉर्मल कार्बोनेट्स बन रहे हैं, ये सबके सब क्या है, MnSO4, AgNO3, FeSO4, ये सबके सब क्या है बेटा, सॉल्ट्स, ठीक है। तो इनका रिएक्शन हम सबके, देखो सब तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सबकी रिएक्शंस सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बना यहां पर, MnCO3 नॉर्मल कार्बोनेट प्लस
सोडियम का जो सोल्ट बनेगा वो किसके साथ बनेगा, SO4 के साथ, तो Na2 SO4। यहां पर क्या बनेगा बेटा, तुम्हारा Ag2 CO3 नॉर्मल कार्बोनेट प्लस 2 Na NO3। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहां पर 2 लगा दोगे, ठीक है, देन FeSO4 प्लस Na2CO3 है, तो फिर से क्या करोगे, उसका कैटायन और इसका एनायन FeCO3। याद करो इसको हम लोगों ने मेटलर्जी में क्या बोला था, बताना मेरे को क्या बोला था मेटलर्जी में, FeCO3 को क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे पास एक और था, देन Na2SO4। ठीक है, चलिए, तो ये तुम्हारे पास है जो नॉर्म, पहले क्या कर रहे हैं यहां पे सब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहले टाइप के सोल्ट हैं। दूसरे हमारे पास जो सोल्ट आता है टाइप, दूसरे टाइप के जो हमारे पास सोल्ट आते हैं बेटा, वो आते हैं सोल्ट विच फॉर्म, सोल्ट विच फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, वो सोल्ट जो तुम्हारे बेसिक कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल 4 एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे बेसिक कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स का। ठीक है, तुम्हारे पास जो केवल 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, Pb, Zn, Cu एंड Mg। क्या Pb, Zn, Cu और Mg, ये तुम्हारे, इनको याद करने के लिए तुम्हारे पास बोल सकते हो ट्रिक है एक, क्या पंडित जानकी दास कुत्ता मांगे, जानकी दास और ये कुत्ता मांगे, ये केवल 4 एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो तुम्हारे बेसिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके अलावा कोई भी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके बेसिक हाइड्रोक्साइड अपने कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे देखिए, बात करते हैं PbSO4, पीबी का सोल्ट कौन, जैसे मान लीजिए PbSO4 ले लिया मैंने, Na2CO3 उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, Na2CO3 के साथ, तो ये तुम्हारे पास वाटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनाता है PbSO4 PbCO3 PbOH होल ट्वाइस। कार्बोनेट बनाया लेकिन कैसे, साथ में हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ में क्या बनेगा, साथ में Na2SO4, साथ में क्या बन जाएगा Na2SO4। जैसे देखो जेडन की बात करें तो बेटा Zn SO4 प्लस Na2CO3 किस मीडियम में, तुम्हारे पास वाटर की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या करेगा अपना बेसिक कार्बोनेट बनाएगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनाएगा, क्या Zn CO3 डॉट Zn OH होल ट्वाइस प्लस साथ में Na2SO4। जैसे देखो कॉपर में तो CuSO4 प्लस Na2CO3 क्या बनाएगा बेटा, H2O में तुम्हारे पास, तो क्या बनाएगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इसको हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं बताओगे तुम लोग, प्लस Na2SO4 Mg MgSO4, रिएक्शन को यहां पर बैलेंस नहीं कर रहा हूं, Na2CO3 किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट MgOH होल ट्वाइस साथ में Na2SO4। समझे कि नहीं, तो केवल तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, बेसिक अपने हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं करता है तुम्हारे पास। नॉर्मल जो ये जो एलिमेंट्स हैं, Mn हो गया, Ag हो गया, Fe हो गया, Fe in प्लस टू, यहां पर Fe किस में है, प्लस टू में, तो ये सब क्या करते हैं अपने नॉर्मल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जबकि बेटा तुम्हारे पास जैसे कि Fe के अगर हम बात करें, देखो यहां पर मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, यहां पर मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो लिथियम होता है, क्या जो लिथियम होता है वो क्या करता है, वो अपने नॉर्मल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपना बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि जो लिथियम होता है वो क्या करता है, अपने नॉर्मल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से, तो ये एक बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या जो लिथियम और जो मैग्नीशियम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो ये उनके दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट है कि जो Na2CO3 के साथ लिथियम जो है वो क्या करता है, अपना नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है इनकी तरह, जबकि मैग्नीशियम क्या बनाता है, बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों में लिथियम और मैग्नीशियम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल कार्बोनेट, लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल कार्बोनेट व्हाइल मैग्नीशियम Mg फॉर्म्स बेसिक कार्बोनेट। व्हाइल मैग्नीशियम क्या करता है, जबकि मैग्नीशियम क्या करता है, बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये था हमारे पास, पांच पॉइंट्स हो गए। अब अगला हमारे पास है बेटा, जबकि क्या तुम्हारे पास बेटा जो Fe+3 है, Fe का प्लस थ्री में, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री में, और Sn का जो प्लस फोर है, इनके जो सॉल्ट्स हैं देयर कार्बोनेट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनके जो कार्बोनेट है वो एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट एज दे गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। वो क्या करते हैं, वो तुरंत हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। कैसे, जैसे देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एल्यूमिनियम का सॉल्ट AlCl3, ठीक है, इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा Na2CO3 के साथ तो क्या बनेगा बेटा, देखो एल्यूमिनियम प्लस थ्री में यहां पे पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव, तो Al2CO3 होल ट्वाइस प्लस NaCl, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो कार्बोनेट उधर में दो, ये लो दो, फिर एल्यूमिनियम उधर में दो, ये लो दो, ये थ्री करना पड़े, Al2CO3 होल थ्राइस होगा, एल्यूमिनियम क्योंकि किसमें है, प्लस थ्री में, तो ये थ्री, ये टू, तो यहां पर ये सिक्स, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये जो Al2CO3 बनता है, यहां पर जो कार्बोनेट बना, ये कार्बोनेट क्या करता है, तुरंत तुम्हारा हाइड्रोलाइज करके, अगर इसको एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि किस में बन रहे हैं ये सब, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करेगा, तुरंत AlOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर लेगा, समझ में आएगा नहीं, और साथ में CO2 और साथ में H2CO3, ठीक है। और ये AlOH होल थ्राइस फिर उसको हम थोड़ा सा हिट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, Al2O3 में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, Fe का प्लस थ्री हो, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री हो, Sn का प्लस फोर हो, इनके कार्बोनेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे वॉटर में बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, हाइड्रोलाइज करके लास्ट में वो क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थी तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज,
अब बात करते हैं इनके यूजेज के। तो सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? तो सबसे पहला जो यूज है वो क्या है तुम्हारा, लॉन्ड्रीज के अंदर। जैसे घर पे हम लोग सर्फ वगैरह यूज करते हैं, तो वो जो सर्फ में हमारा जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, वॉशिंग सोडा होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए, वाटर जो तुम्हारे पास हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, Na2CO3 का यूज करते हैं। ये उसके यूजेज हैं कुछ, ठीक है। देन तुम्हारे पास बेटा सोप्स हो गए, जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अंदर भी तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फ्यूजन मिक्सर होता है उसके अंदर भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। फ्यूजन मिक्सर जो होता है वो किसका कंपोजिशन होता है, Na2CO3 प्लस K2CO3। तो देखो लास्ट में अब यूजेज लिखना चाहो तो लिख लो। प्रॉपर्टीज में बस इतनी ही प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं किसके यूजेज के, किसके Na2CO3 के यूजेज के बारे में। तो सबसे पहला यूज जो है वो क्या है कि हम इनको लॉन्ड्रीज के अंदर यूज करते हैं, इन लॉन्ड्रीज। इसके अलावा जो सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। देन तुम्हारे पास बेटा दो चार यूजेस सबके ध्यान में रखने, बहुत ज्यादा ऐसे तो 15-20 यूजेस नहीं लिखवाएंगे, जो जो मेन मेन यूजेस हैं बस वही लिखवाएंगे। लॉन्ड्रीज के अंदर सॉप्स में, डिटर्जेंट्स में तुम्हारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 ये सब प्रेजेंट होता है। देन बेटा तुम्हारे पास ये इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर की सॉफ्टनिंग के अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं, इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर H2O। देन बेटा हम लोग तुम्हारे फ्यूजन मिक्सर के अंदर एज ए फ्यूजन मिक्सर इसको यूज करते हैं, उसके कंपोजिशन कौन कौन होती है, Na2CO3 और K2CO3। फ्यूजन मिक्सर के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, और फ्यूजन मिक्सर के अंदर कौन कौन होता है Na2CO3 के साथ, साथ में K2CO3 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो बेसिकली हमारे पास अब सोडियम के जितने कंपाउंड्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जैसे देखो अभी हमने देखा कि Na2CO3, देखो Na2CO3 डॉट 10H2O को हमने क्या बोला, ये कार्बोनेट है यहां पे, इसको हमने क्या बोला, वॉशिंग सोडा। इसको हमने क्या बोला, वॉशिंग सोडा। अगर यहां पर यही सल्फेट हो Na2SO4 डॉट 10H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबर्स सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबर्स सॉल्ट, ठीक है। बस इतना, यही हमको कंपाउंड्स सोडियम के मैन हमको तीन चार कंपाउंड्स देखने थे। NaOH को हमने पढ़ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ लिया, सोडियम कार्बोनेट को पढ़ लिया। इसके अलावा हमको ज्यादा कंपाउंड्स नहीं पढ़ने, वरना केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर देखें तो एक और चीज है, क्या कि Na2CO3 प्लस CDS, कैडमियम का जो सल्फाइड है, इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एस। क्या ब्लैक एस क्यों बता रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि ये सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर के अंदर आएगा, वहां पर हम लोग बोलेंगे कि ब्लैक, इन दोनों का जो कंपोजिशन होता है, इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एस। तो अब यहां पे सोडियम कार्बोनेट को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको साथ ही में बता दिया। तो ये थे हमारे पास सोडियम के कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं बेटा कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर, नेक्स्ट अब हेडिंग डालो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम।
कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है बेटा वो क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले जो हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या, CaO। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, क्विक लाइम। क्या? क्विक लाइम। ठीक है, CaO को ही हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये तो हम लोगों का सबसे पहले तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है। अब अगर बात करें इसका, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तब हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम प्लस CO2 गैस, है ना, याद करो बताया था कि कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। तो CaO, ये मेथड ऑफ, इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम ऑप्टेन होता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब अगर बेटा मैं इसकी बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो बेटा प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन। तो पहला हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्शन विथ वाटर। पहला क्या है, एक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, तो ये मैं ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करेगा, CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इसको हमने क्या बोला, क्विक, इसको हमने क्या बोला, क्विक लाइम। जबकि तुम्हारे पास जो CaOH होल ट्वाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं बेटा, स्लैक्ड लाइम। जबकि CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्या हुआ, वॉटर के साथ एक्शन क्या होती है इनकी, ये तुम्हारा जो क्विक लाइम है उसको जैसे ही वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैक्ड लाइम। समझे कि नहीं। तो स्लैक्ड लाइम होता क्या है, क्या जो स्लैक्ड लाइम है उसको है क्या, बेसिकली CaOH होल ट्वाइस। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या बच्चे इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, फिर तुम्हारे पास जैसे मिल्क ऑफ लाइम हो गया, इन सब चीजों में बहुत सारे कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक चाहो तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो CaOH होल ट्वाइस का, CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन इन वॉटर, सॉल्यूशन इन वॉटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, इज नोन एज, जो CaOH होल ट्वाइस है इसका जो सॉल्यूशन है किसके साथ, किन में, वाटर में जो सॉल्यूशन होता है CaOH होल ट्वाइस का उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, चलिए, मतलब तुम्हारा जो अब इसके बाद जो CaOH होल ट्वाइस का जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, इसका जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, इसके क्लियर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लाइम वॉटर। इसके क्लियर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस का जो क्लियर सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वॉटर। ऐसे ही तुम्हारे पास बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, BaOH होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेराइटा वॉटर, बेराइटा वॉटर। ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर थोड़े नाम है, थोड़ा कष्टदायक है, तब उसमें क्या कर सकते हैं, कोई उसका कोई उपाय नहीं है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बार बार बोल के बस याद करवा सकता हूं तुम लोगों को, क्या CaO को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम।
उसको वाटर में डिजोल्व किया तो CaOH होल ट्वाइस बन गया, समझे कि नहीं, उसका हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर वाटर में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। जबकि CaOH होल ट्वाइस के क्लियर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और जैसे CaOH होल ट्वाइस के क्लियर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लाइम वाटर, तो कई बार पूछ लेता है कि बराइटा वाटर क्या होता है, तो बेरियम के हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बराइटा वाटर। ठीक है, अब हम लोग, ये था पहला प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है कि क्विक लाइम का रिएक्शन रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड, विथ एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन। जैसे मान लीजिए CaO है, इसका रिएक्शन अगर हम SiO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, क्या CaO का रिएक्शन SiO2 के साथ। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है। SiO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सोल्ट बनेगा। तो सोल्ट क्या बनेगा यहां पर, CaSiO3। याद करो ये रिएक्शन हमने मेटलर्जी के अंदर भी पढ़ा है, एज ए फ्लक्स, स्लैग फ्लक्स। अगर तुम्हारा पास, याद करो बताया था कि अगर तुम्हारा जो इंप्योरिटी है वो मान लो अगर CaO है तो हम एज ए फ्लक्स के तौर पे किसको ऐड करते हैं, SiO2। तो ये क्या बनता है, CaSiO3, इनफ्यूजेबल मास, जिसको हमने क्या बोला था, स्लैग फॉर्मेशन। हाँ है ना, मेटलर्जी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर बात किया था। तो वही देखो रिएक्शन है यहां पर, SiO2 वही है, क्या नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक, ये बेस, एसिड बेस सोल्ट बना, समझे कि नहीं। ऐसे ही एक और रिएक्शन आती है, CaO+P4O10, क्या CaO+P4O10, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मैंने मेटलर्जी में भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा बहुत अगर रिकैप कर पाओ तो समझ, सुनने की कोशिश करना। अब हम यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएं, CaO है, बेसिक है, तो एक हम करो इसका हाइड्रोक्साइड बना लो, CaOH होल ट्वाइस। फॉस्फोरस यहां पे देखोगे +5 में है, P4O10 में, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है, सॉरी एसिडिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। यहां पर +5 में है, उसका ऑक्सी एसिड क्या होता है, H3PO4, आपस में रिएक्शन करवा दो, ये बेस ये एसिड, कर सकते हैं कि नहीं। तो सोल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम पे 2+, PO4 पे, यहां से 2 OH- को निकालो, कैल्शियम पे 2+ और PO4 पे 3-, तो जो सोल्ट बनाओगे वो क्या बनाओगे, Ca3PO4 होल ट्वाइस, समझे कि नहीं। ये लो अब इसको, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे पास रिएक्शन सिंपल ये दी है, तो H2O तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन को कैसे लिखना है उसके लिए मैंने थोड़ा बता दिया। थोड़ा बैलेंस करो, यहां पे फॉस्फोरस देखो, रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस कितने हैं, 4, प्रोडक्ट साइड में अभी 2 हैं, तो एक काम करते हैं, इसके आगे मैंने 2 लगा दिया तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। कैल्शियम देखो 3 2 6, ये लो यहां पर 6, पूरी रिएक्शन बैलेंस हुई क्या। ऑक्सीजन चेक करो, 6+10, 16 ऑक्सीजन। इधर में देखो 4 2 8 2 16, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। याद करो इसी को हमने मेटलर्जी में बोला था थॉमस स्लैग, अगर याद हो तो बोलो, इसी को हमने बोला था थॉमस स्लैग। तो थॉमस स्लैग कब बनता है, CaO+P4O10, तो कोई रिएक्शन तो बड़ी बात नहीं है, CaO क्योंकि क्विक लाइम को पढ़ रहे हैं तो उसकी रिएक्शंस को भी साथ में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये था इनकी रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। तो हम लोग, तो बेसिकली जो CaO है वो एक्सट्रीमली, CaO इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, काफी ज्यादा यूज करते हैं, किस तौर में, एज ए फ्लक्स, क्या
हम लोग इसको एज ए फ्लक्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड। अगला देखते हैं बेटा, थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विथ कार्बन। फटाफट लिखो इसको। लिख लिया। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है वो जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे पहले क्या बनता है उसका कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है Ca C2, और साथ में याद करो ये भी मैंने बताई थी, ये भी चीज हमने मेटलर्जी में डिस्कस किया था, क्या कि तुम्हारा जो कार्बन है उसको तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेटल जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखो वहां पर, यहां पर भी वही हो रहा है, मेटलर्जी के अंदर भी हमने बात की थी कि हम लोग जो बात करते हैं जनरली वो हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो यहां पर जब हम 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ तो क्या होता है उसके कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है साथ में CO, क्या साथ में CO का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसी कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, देखो CaC2 जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है CaOH2 + C2H2, क्या बनता है CaOH2 + C2H2। ये कैसे बनता है, देखो यहां पर इस कार्बाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है, वो क्या कि तुम्हारे पास यहां पे जो कैल्शियम है वो क्या है 2+, कैल्शियम के ऊपर कितना 2+, तो C2 के ऊपर कितना 2-, तो C2 के ऊपर कितना 2-। अब C2 2- मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ये माइनस और इस कार्बन के ऊपर माइनस, समझे कि नहीं, और ये कैल्शियम 2+। तो जो CaC2 होता है उसमें जो ये कार्बन है, देखो यहां पर क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा इसको अगर केमिकल बॉन्डिंग से अगर डिस्कस करना है तो क्या करोगे, यहां पर देखो आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, क्या है Ca2+ में और C2 2- में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, समझ में आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चंस बॉन्डिंग के अंदर भी जा सकते हैं, क्या बोल देगा तुम्हारे पास CaC2 है तुम्हारे पास, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहां पर इसका देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ये H, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आएगा नहीं। तो ये था हमारे पास इसकी रिएक्शन विथ कार्बन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कि CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा CaOH2 + C2H2 का। ठीक है, रिएक्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज में हम लोगों को इतनी ही प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अब इसके यूजेस की बात करते हैं। बेटा तुम्हारे पास जो CaO है उसको हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं, क्या जो CaO है उसको हम कहां कहां पर यूज करते हैं, सबसे पहले तो जैसे तुम्हारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर, क्या ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो सीमेंट ग्लास होता है, क्या जो सीमेंट ग्लास होता है उसको प्रिपेयर करने में, फिर कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, समझ में आएगा नहीं। इसके अलावा हम लोग जो शुगर होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, क्या फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, उसके लिए भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम सॉरी क्विक लाइम को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला उसका यूज लिख लो, क्या इन प्रिपरेशन ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaOCl2। ये चीज हम लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ा है। इसके अंदर एक खास बात क्या है कि जो CaOCl2 होता है इसमें दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? डिफरेंट है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये भी चीज पूछी जाती है कि यहां पर देखो यही तुम्हारे पास जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, सेम टाइम पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों कर सकता है। समझ में आएगी? नहीं तो ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। यहां पर एक क्लोरीन कैल्शियम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है और एक क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा जो तुम्हारा सीमेंट ग्लास है, सीमेंट ग्लास हो गया, इसके अलावा जैसे तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड एटसेट्रा, इन सबको प्रिपेयर करने के अंदर हम इसका यूज करते हैं। जो दूसरा बेटा इसका यूज है वो क्या है? इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्योरिफिकेशन करने के लिए, प्योरिफाई करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। देन बेटा जो थर्ड हमारे पास इसका यूज है वो क्या है कि तुम्हारे पास ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है फॉर NH3 एंड तुम्हारा C2H5OH। फॉर इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग, इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर NH3 एंड C2H5OH। डिहाइड्रेटिंग मतलब H2O, इन जो तुम्हारे पास NH3 और जो C2H5OH होता है जो एक्वस सॉल्यूशन उसमें से H2O को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। NH3 और C2H5OH के लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे किसको यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को, ना कि नॉट। और तुम्हारे पास कौन होते हैं? जैसे P4O10 है, H2SO4, ये भी क्या होते हैं? अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब H2O को रिमूव करने के अंदर काम आते हैं। लेकिन तुम्हारा जो NH3 और जो C2H5OH होता है उनको हम लोग डिहाइड्रेटिंग, उसके लिए उनको डिहाइड्रेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? क्विक लाइम को। समझ में आएगा नहीं? तो उसके लिए हम P4O10 और H2SO4 को यूज नहीं करते। समझ में आएगा नहीं? उनको यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसका जो चौथा यूज है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम को प्रिपेयर करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब सोडा लाइम क्या होता है बेटा? NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के जो मिक्सर होता है इनको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्विक लाइम के बारे में। एक काम करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम लोग लाइम वॉटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रियोल, इस सब के बारे में पढ़ करके कैल्शियम के कंपाउंड्स को खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा? Na2CO3 के बारे में, उसकी रिएक्शंस। Na2CO3 के हमने सबसे पहले देखा कि Na2CO3.10H2O होता है, उसमें से जब हम एयर का, उसको जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या करता है? 9H2O को रिमूव कर देता है। 9H2O को रिमूव करता है तुम्हारे पास, और उसको हम जब 375 केल्विन के ऊपर जब हीट करते हैं तो क्या करता है तुम्हारे पास? जो एक वाटर होता है वो भी रिमूव कर देता है और तुम्हारा एनहाइड्रस हो जाता है, और वो फिर आगे फर्दर डिकम्पोज नहीं करता। ठीक है, ये फिर तुम्हारे पास ये जो प्रोसेस था जिसमें 9H2O को रिलीज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंस। देन हमने इसके हाइड्रोलिसिस के बारे में बात किया था। हाइड्रोलिसिस में हमने देखा कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनता है और H2CO3 जो आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसकी रिएक्शंस देखी किसके साथ? SO2 के साथ और SiO2 के साथ। SO2 के साथ हमने जब रिएक्शन देखा तो एक एसिड एक बेस रिएक्शन हुई, क्या बना? Na2SO3 बना, साथ में CO2। ठीक है,
फिर जो Na2SO3 था उसका अगर हम रिएक्शन करवा दें सल्फर के साथ तो क्या बनता है Na2S2O3। जो तुम्हारे पास Na2S2O3 होता है उसमें जो सल्फर होता है वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, एक -2 में और एक +6 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन देखी किसके साथ, SiO2 के साथ, सिलिका के साथ। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं SiO2 के साथ तो क्या बनता है तुम्हारा Na2SiO3। और Na2 जो SiO3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास या फिर सोल्यूबल ग्लास। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। और किसके लिए यूज करते हैं इसको, हम लोग सिलिका गार्डन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। देन हमने सोल्ट के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ी, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड बाई लाइम वाटर, उसके साथ भी हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी, क्या बना CaCO3 प्लस तुम्हारा H2O। देन हम लोगों ने फिर उसकी जो रिएक्शन देखी थी वो था सोल्ट्स के साथ, नॉर्मल सोल्ट्स के साथ, अपने कार्बोनेट्स के साथ जो नॉर्मल कार्बोनेट्स बनाते हैं और एक बेसिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स बनाते हैं। बेसिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो है वो केवल चार एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, जिंक, पंडित, जानकी दास, कुत्ता, मांगे। तो पंडित PB, जानकी दास ZN, कुत्ता CU एंड मांगे से MG, ये तुम्हारे पास जो है वही बेसिक कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम लोगों ने फिर देखा कि Fe+3 हो, एल्यूमिनियम +3 हो और जो SN+4 है, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते, वो तुरंत हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। इसके बाद हमने उसके यूजेस पढ़े थे, यूजेस के अंदर हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, तुम्हारा फ्यूजन मिक्सर के अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, सॉप्स में, डिटर्जेंट्स में, इन सब चीज़ों में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, देन हम लोगों के पास था कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा क्विक लाइम के बारे में। क्विक लाइम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, CaO, और इसको जब जनरल प्रिपरेशन का मेथड है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, CaCO3 को हीट करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, फिर इसकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने इसका हाइड्रोलिसिस के देखा, हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना इसका CaOH होल ट्वाइस, क्या बना था CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO था उसको हमने बोला क्या, क्विक लाइम। देन जो CaOH होल ट्वाइस था उसको हमने क्या बोला, स्लैक्ड लाइम। जो CaOH होल ट्वाइस है उसी का जो एक्वस सॉल्यूशन है, क्या जो उसका एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। और जो CaOH होल ट्वाइस का जो क्लियर सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। देन इसके बाद हमने देखा BaOH होल ट्वाइस के बारे में, BaOH होल ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं, बेराइटा वाटर। फिर हमने इसकी रिएक्शन देखी अलग अलग, तुम्हारे पास तुम्हारा जो ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ, एसिडिक ऑक्साइड्स में हमने एक देखा SiO2 के साथ और P4O10 के साथ, जिनके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जो कि तुम्हारे पास मेटलर्जी के अंदर भी यूज होता है। हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं CaSiO3 और तुम्हारे पास Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, थॉमस स्लैग। मैंने मेटलर्जी के टाइम में भी स्पेशली इसके ऊपर फोकस किया था, बोला था कि थोड़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोगों ने इसकी रिएक्शन देखी कार्बन के साथ, कार्बन के साथ देखा कि तुम्हारे पास CaO जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करके क्या करता है, अपने कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करता है, साथ में CO गैस रिलीज करता है। ठीक है, और जो कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड जो बना उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, CaOH होल ट्वाइस साथ में C2H2 एसीटिलीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसीटिलीन। ठीक है, अब यहां पर CaC2 के अंदर जो कार्बन है वो किस, देखो कैल्शियम पे 2+ है और C2 के ऊपर 2-, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर हम लोगों ने अभी देखा कि इसके यूजेज कहां कहां पर हम क्विक लाइम को यूज करते हैं। बेटा इसके अलावा हमने उसके यूजेज में देखा कि इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। जो CaOCl2 है उसके अंदर जो दोनों क्लोरीन है वो क्या है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, एक क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक क्लोरीन -1
वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यह जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली कैल्शियम के साथ अटैच्ड है, और ये वाला जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसलिए उसके ऊपर यहां पर प्लस वन है। ठीक है, इसके अलावा हम उसको कहां पर यूज करते हैं, सीमेंट ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपरेशन एटसेट्रा। इसके अलावा इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के अंदर भी हम लोग शुगर को प्योरीफाई करने के लिए क्विक लाइम का यूज करते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर NH3 एंड C2H5OH। इन दोनों के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं हम लोग, P4O10 और H2SO4 को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते, ये हम आगे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, P4O10 और H2SO4 भी, लेकिन NH3 और C2H5OH के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, क्विक लाइम को। फिर हम लोगों ने लास्ट इसका यूज देखा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस CaO के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैल्शियम के कंपाउंड्स में सबसे पहला कंपाउंड CaO के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइम वॉटर के बारे में, CaOH होल ट्वाइस, और तुम्हारा ब्लू विट्रियोल जिसको हम बोलते हैं क्या CaSO4.5H2O, और जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम सब लोग पढ़ करके खत्म करना।